दोस्तों आज के वीडियो में डेली लॉ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अगर आप एक्सेसिव वाली हैं या रजिस्ट्रेशन पर देखेंगे ये है किसी भी जैसे बोल सकते हैं जैसे कि किसी वकील से आप बात कर सकते हैं इसे और इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि किसी ग्रामीण को अपना रजिस्ट्रेशन करना है उससे आप किसी वकालत से जो वकील से सलाह पूछना है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आपको ऑनलाइन उससे बात कराना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन अपने जो जैसे कि बैक कैमरा होता है उससे आपको नजदीकी जैसे कि पीएमजी जैसे एग्जाम होता है वैसी सेम आपको सामने सामना जो होता है वो अपना सिस्टम से और वह अपना सिस्टम से बात करेगा। ये है इसका प्रोसीडर और पासवर्ड मिलता है। इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और इसे आपको निःशुल्क देना होता है और सरकार द्वारा आपको इसमें आपको कमीशन मिलता है जिसे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसमें आप कानून सलाह देकर आप मदद कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें आपको अच्छे कमीशन भी मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको जैसे इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसके प्रोसेस देख लेते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इसमें लॉग इन कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, लॉग इन करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इसमें सरकार अच्छी स्कीम है। ठीक है, इसमें एक नरेंद्र मोदी की योजना है और इसमें आपको टेली लॉ के मतलब ये होता है बताया हूँ। ठीक, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप इसको फायदे दे सकते हैं और आप काम करके इसमें अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सबको क्लिक करना है। ठीक है, इसको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सब मिल जाते हैं लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें और रजिस्ट्रेशन करके इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें आप टेली लॉ का आप सीएससी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और एक तो आप पीयूएफ डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस कॉल करेंगे यहाँ पर सबको रूल्स मिल जाएगा जिसके यहाँ पर सब क्लिक करेंगे। ठीक है, पी यहाँ पर आपको मिल जाता है PLV। ठीक है, ये भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लेकिन मेरे पास तो सीएससी आईडी है तो हम वैली के थ्रू करेंगे। आपको डायरेक्ट सीधी आपको आपका डिजिटल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, सीएससी यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद अपना जो सीएससी आईडी होता है उसको आपको पासवर्ड आपको फिल कर देना, सीएससी आईडी और पासवर्ड आईडी और पासवर्ड फिल कर लेना है। ठीक है, जिसके यहाँ पास पासवर्ड हम फिल कर लेते हैं और अपना ईमेल आईडी डालने मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसे कि इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाए कर लेना है। ठीक है, सेव कर लेना है जिसके यहाँ पर मेल फीमेल पर आपको क्लिक करना है, मोबाइल नंबर फिल करने पहले। ठीक है, इसके बाद आपको क्लिक करेंगे, जब सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास क्या है जैसे कि किसी का आईडी बता रहा है तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद आपके ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको आपको सबमिट करना है। बस आपका अपडेट सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा यहाँ पर डैशबोर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नाम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, नाम भी मिल जाएगा आपको, जितना कैश रजिस्टर किए होंगे और कैश नहीं है कितना कंप्लीट है ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके वजह से यहाँ पर लिस्ट भी मिल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है इसके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है, अवेयर ड्वेनी पेज पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको कस्टमर का आपको यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का है वो आपको एड कर उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका डिटेल फिल करना है, फिल करने के बाद आपका जो भी इसका कमीशन बेस होता है वो आपको सीएससी हर महीने आपको मिल जाता है। ये है इसका रजिस्ट्रेशन करने का और काम करने का तरीका। उसका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, एक आईडी और पासवर्ड बनाकर देना होता है जिसे आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पास आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको फर्स्ट पेज में मिला है मिला होगा। ठीक है, इसमें आपको लॉगिन करके आपको उसको बैठा देना है और उससे बात करना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पास न्याय रहता है और जो भी आपको वकील होता है वो उससे बात करेगा। ठीक है, ये है इसका प्रोसेस। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।